सुबह का 4:30 बज गए और मुझे अभी तक नींद नहीं आ रहा है। I don't know why. गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज का ब्लॉग इधर से शुरू करते हैं। सोऊंगा तो मैं बाद में, अभी तो नींद नहीं आ रहा मुझे। तो कल का ब्लॉग में मैंने आपको एक चीज़ बताया था, एक सरप्राइज, जो भी मतलब कुछ चेंजेस आने वाला है मेरी ज़िंदगी में। ज़िंदगी में कुछ चेंजेस वेंजेस नहीं है, बेसिकली मैं अपना एक कैमरा बेचना चाहता हूँ और वो बेचने वाला हूँ। मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन किया था उस कैमरा के ऊपर, लेकिन आफ्टर यूजिंग फॉर कपल ऑफ मंथ्स आई फेल्ट इट लाइक दैट इट्स अ पॉइंटलेस कैमरा। सच बताऊँ तो उससे तो बहुत अच्छा मेरा ये 5 साल पुराना वाला G7X Mark II है। आज मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ये जो है मेरा पुराना 5 साल पुराना वाला कैनन G7X Mark II है, और ये कैमरा ने हमेशा मेरे साथ दिया है। मतलब चाहे क्वालिटी हो या ऑडियो क्वालिटी हो, वीडियो क्वालिटी हो, हर चीज़ में मेरे साथ दिया है। द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट एट दैट टाइम आई नेवर यूज्ड टू व्लॉग दैट मच, जो आजकल मैं कर रहा हूँ। और उसी एक्सपेक्टेशन में बहुत सारे लोगों का जो रिव्यू देखा मैंने यूट्यूब में, वो देख के मैंने ये लिया था, सोनी ZV-1। इसके एक ही चीज अच्छा है, ऑटो फोकस बहुत अच्छा है इसका, लेकिन जो इमेज स्टेबलाइजेशन है और जो कलर साइंस है, ये सब इसके सामने नली है। ये कैमरा मैंने लिया था सेकंड हैंड में, और इसका जो एडवर्टाइजमेंट और रिव्यूज़ जो देखा ना, सब फालतू के थे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इस कैमरा के ऊपर इतना ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट फोटोशूट और इसका जो क्या बोलते हैं उसको, ऑटो फोकस, उसके कारण इसका इमेज स्टेबलाइजेशन इतना भद्दड़ है ना। आई डोंट अंडरस्टैंड, सोनी हैज़ नेवर गॉट अ प्रॉपर इमेज स्टेबलाइजेशन। बल्कि इस कैमरा को देख लीजिए, इवन दो आई एम रिकॉर्डिंग इट इन 25 फ्रेम्स पर सेकेंड, इसका जो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है। मैं अभी भी चल के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसके हिसाब से वो अगर करूँगा ना सेम, इसमें पूरा ऐसा हिलता रहेगा, और उसका एक्टिव में करेगा तो शक्ल क्या ऐसे सामने आ जाता है। तो देखिए, जब तक हम लोग यूज़ नहीं करता, हम लोग को पता नहीं चलता कि हमारा कैमरा कौन सा है हमारे लिए। लेकिन इससे अच्छा वो अपना जो है उसका नाम ही भूल जाता हूँ मैं हमेशा, पता नहीं क्यों ऐसा नाम डाल देते वो लोग। HDR जो CX405 है, जो नॉर्मल वीडियो कैमरा है, उनका अच्छा है, लेकिन आज तक सोनी ने उनका जो डिजिटल कैमराज है, पॉइंट एंड शूट वाला कैमराज में इमेज स्टेबलाइजेशन कैसे डालना है, आज तक नहीं सीखा उन्होंने, पता नहीं क्यों। और ये सिर्फ एक ही कैमरा का प्रॉब्लम नहीं है, ये हर सोनी का जो है DSLR कैमरा में भी यही प्रॉब्लम है। हर जितना भी बड़े से बड़ा उनका जो हाई एंड, जितना प्राइजी है, एक तो ये उनका सब हाई एंड कैमराज में इमेज स्टेबलाइजेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम, एंड ऑन टॉप ऑफ इट इनका जो कलर साइंस है हमेशा रेडिश हो जाते हैं इनका जो है स्किन टोन ये सब। बल्कि कैनन में ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और ये देखिए मेरा वाइड एंगल कैसा है, बल्कि मैं नॉर्मल एक सेल्फी स्टिक लेके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और इसका ऑडियो क्वालिटी भी देख लीजिए आप, सुन लीजिए, इट्स अमेजिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड मैंने कैनन को साइड में क्यों रख दिया और ये कैमराज लेके क्यों लिया। बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों का व्लॉगिंग जो है, वी कीप ट्राइंग दैट कि यार हमारे लिए सबसे अच्छा कैमरा कौन सा अच्छा था व्लॉगिंग के लिए, बिकॉज व्लॉगिंग के लिए हमेशा एक ये रहता है एक व्लॉगर को, कि उनके साथ जुड़ा हुआ, मतलब दिल से और दिमाग से जुड़ा हुआ एक कैमरा चाहिए उनको। एंड आई हैव कपल ऑफ कैमराज विच आई लाइक, अभी कल का व्लॉग जो आपने देखा था, मैंने DJI Pocket 2 से मैंने रिकॉर्डिंग किया था और उसका मैंने कलर करेक्शन भी किया था, बट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग वेयर आई डोंट हैव टू डू अ कलर करेक्शन। DJI Pocket 2 का जो है अगर नेचुरल लाइट मिलेगा तो बहुत ही गंदा है उसका जो कलर है, आई डोंट नो भाई, ऑस्मो का कभी भी मुझे कलर अच्छा नहीं लगा, नेचुरल लगता। इसमें देखो मैंने सिर्फ इसमें अभी क्या है टिफिन का, ये है टिफिन का मैंने लेंस लगाया है, ये है ब्लैक प्रो मिस्ट 1/2, टिफिन का ब्लैक प्रो मिस्ट 1/2 का लेंस लगाया है मैंने,
फिल्टर बेसिकली जो है, नॉट एंटी फिल्टर, ब्लैक प्रो मिक्स फिल्टर लगाया मैंने, और कैनन में मैंने न्यूट्रल में नहीं पोर्ट्रेट में थोड़ा बहुत सेटिंग चेंज करके ये कलर मिला है मुझे अभी। अभी मुझे इसके लिए कुछ भी और ज़्यादा कुछ करना ज़रूरत नहीं है कलर करेक्शन के लिए या कुछ भी, यू नो, इफ़ आई गो टू फाइनल कट प्रो या प्रीमियर प्रो में मैं जाके एडिटिंग करना चाहूँ, मैं इजीली एडिटिंग कर सकता हूँ और डाल सकता हूँ मैं, और मुझे कलर ग्रेडिंग करने का झंझट भी नहीं है। और बात रही ऑडियो की, आप खुद सुन रहे हो अभी इसका ऑडियो कैसा है। इसमें एक ही प्रॉब्लम था जो लोगों को नहीं मालूम था, और वो लोग बता रहा था कि इसका ऑनबोर्ड ऑडियो अच्छा नहीं है। द प्रॉब्लम हमेशा ऑनबोर्ड ऑडियो इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि आप लोग विंड कैंसलेशन का जो है ऑप्शन होता है वो ऑन रखते हैं। जब आप विंड कैंसलेशन का ऑप्शन ऑन रखते हैं तो ये जो ऑडियो आ रहा है आपका वो और दब जाता है। फिर एक और है एनन्यूएटर, उसको भी आप ऑफ कर दीजिए, फिर देखिए आपका ऑडियो कैसा आता है ये पॉइंट एंड शूट कैमरा में। और ये देखिए, ये है ट्रू ऑप्टिकल जूम। ये जो जूम किया है मैंने, इसमें इमेज क्वालिटी भी ख़राब नहीं होता है। और सोनी में ये ऑप्टिकल जूम नहीं है, सोनी में जो है डिजिटल जूम है जिसमें इमेज क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। अभी मुझे लगी है भूख भैया, 4:30 हो गया, अभी भी मेरा आँख ऐसा है कि पूरा खुला हुआ, जागा हुआ मैं। बचा हुआ एक केला और एक संतरा, केले ही खा लेते हो यार, बहुत लगी है भूख मेरे को तेज। इधर आप देसी केला मैंने आज तक खाया नहीं, इधर का केला जितना भी आता ना फिलीपींस, अफ्रीका, क्यूबा, ऐसे जगह से देसी केले में जितना मिठास होता है ना, इन केलों में पता है क्या, खट्टापन बहुत है। देखिए जूम, ऑप्टिकल जूम क्वालिटी देखा आपने, सेम ही रहता है। इस कैमरा के बारे में जो खासियत मैंने बताया था, जो मुझे पर्सनली लगा है, वो ये कि इसका जो ऑटो फोकस वाला फंक्शन है, दैट्स ब्लडी अमेजिंग। मुझे गाली निकल रहा था मेरा, इट्स ब्लडी अमेजिंग। और इन्होंने ये जो दिया ना, ये जो हैंडल, ये उतना फ़ायदा का नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत हम लोग इसका ऑटो एक्सपोजर, ऑटो फोकस लॉक तो है कि नहीं इसमें, लेकिन ये ऑटो एक्सपोजर लॉक सही है इसका, और रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग, वो सही है, और जूम कर सकते हैं वो भी सही है। लेकिन दिस इज़ प्रिटी स्मॉल, ये थोड़ा ऊपर आता सेल्फी स्टिक जैसा तो फिर मज़ा आता, वो आता ही नहीं। और इसमें अगर एक्टिव स्टेबलाइजेशन डालता है तो कैनन का जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन के उतना है, उससे भी बदतर है एक्चुअली इसमें। फिर ये चीज़ है बहुत अच्छा है, मतलब विंड बफ जो इन्होंने दिया वो एक अच्छा खासा आइडिया दिया है। और इसका जो रिकॉर्ड का बटन ऊपर है, कैनन का पीछे है, तो वो दबाना पड़ता है, मुश्किल नहीं दबा देंगे। और बाकी क्या है, 4K यार, यूट्यूब के लिए हम लोग 4K रिकॉर्डिंग करते ही नहीं है। यूट्यूब वैसे भी उसको और कंप्रेस कर देता है, ये करते हैं बहुत कुछ, और वो भी नहीं यार, ब्लॉगिंग के लिए कौन 4K करता है, बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं 4K रिकॉर्डिंग। एक तो एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा डेटा और हेवी फाइल्स, पब्लिक जितना भी देखता है, मैंने देखा 90% मोबाइल में देख रहा है यूट्यूब वीडियोस, नहीं तो लैपटॉप में देखेंगे, तो इट्स ऑलमोस्ट टीवी में तो बहुत ही कम लोग देखते हैं यार। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं तो पहले भी मैंने भी सोचा 4K, फिर HDR भी मैंने रिकॉर्डिंग किया, ट्राई किया, ये सब ट्राई किया, दिस इज ऑल ट्रायल एंड एरर, एट द एंड ऑफ द डे फॉर अ व्लॉगर दिस इज ऑल ट्रायल एंड एरर। तो अब बात करें हम लोग इस कैमरा के बारे में। R&D कर लिया भाई हमने, R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लिया हमने, नहीं रखना यार, मैंने तो सोच ही लिया कल
मेरे को लग रहा है इसके कारण आज मुझे नींद नहीं आया, बिकॉज शुड आई और शुडंट आई सेल दिस कैमरा। इसका अभी भी प्राइस मेरे को वही मिल सकता है, मुझे मालूम है, बिकॉज सोनी कैमरा का वैल्यू नाम बहुत है, कैनन का भी है, ये नहीं कि नहीं है। और आपको कभी भी ऐसे एक कैमरा नहीं मिलेगा जो मतलब सब कुछ एक साथ हो। अभी कैनन में कभी भी सोनी का ऑटो फोकस नहीं मिल सकता, और सोनी में कैनन का स्टेबलाइजेशन नहीं मिल सकता। करे तो करे क्या, और जाए तो जाए कहाँ। तो अभी पिछले मतलब एक महीने से ऊपर हो गया मुझे ब्लॉगिंग कंटिन्यूसली करते हुए, और जब हम एक चीज़ कंटिन्यूसली करते तो हम यही सोचते हैं कि यार क्वालिटी अच्छा दे हमारे जो प्रेषक है, और उसके हिसाब से हम लोग व्लॉग्स भी बनाएं। मतलब कंटेंट तो होना ही चाहिए डेफिनेटली, और मेरा तो ऐसे ही लाइफस्टाइल व्लॉग है। उसके साथ साथ मैंने शुरू किया था ये चैनल एक्चुअली लाइफस्टाइल व्लॉग के लिए, बट जब आप शुरू करते हो लाइफस्टाइल व्लॉग, आप सबसे पहले तो आपको देखना पड़ता है कि कैमरा कौन सा अच्छा हो, ताकि आपको देख के बहुत सारे लोग हैं जो व्लॉग शुरू करना चाहते हैं और वो कौन सा कैमरा ले। और मैं गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है, मैंने बहुत सारा वीडियोस देखे हैं, अच्छा लगा कुछ कुछ अच्छा नहीं लगा, गलतियाँ भी मैंने किया, बिकॉज दूसरे लोग को देख के मैंने सोचा यार वो वाह ऐसा ऐसा। अभी मैं क्या इसको गिम्बल लेके थोड़ी घूमूंगा यार, मैं हमेशा की शूट करने के लिए अच्छा क्वालिटी है, मैं मानता हूँ सब कुछ सही है, क्लैरिटी अच्छा सब कुछ अच्छा, लेकिन मैं गिम्बल लेके थोड़ी घूमूंगा, मेरे को रन एंड गन व्लॉगिंग करना है। तो हाँ, फाइनली मैंने ये सोच लिया है कि इसको बेच दूंगा मैं, बिकॉज वैसे भी पैसे का ज़रूरत है थोड़ा बहुत, वैसे भी धंधा वंधा है नहीं 2-3 महीने से, और कुछ इस्तेमाल ही कर लेते ये पैसे अच्छे चीज़ों के लिए। मतलब मैं अपने इंटरनेट भर सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकता हूँ, बहुत कुछ चीज़ें यार। तो दोस्तों मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया इसको निकालने का। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है सोनी ZV-1 के बारे में, आपने इस्तेमाल किया है और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है एज अ व्लॉगर। ये कैमरा जो है अगर आप एक जगह पे रखते हो, एक जगह पे, जैसे आप ट्यूटोरियल वीडियोस कर रहे हो, जैसे मेरा DJNEO का चैनल है, उसमें आप एक जगह पे रखते हो उसको और इसको हिला नहीं रहे हो, हिलाएगा तो प्रॉब्लम है स्टेबलाइजेशन के कारण, बहुत ही बद्दर स्टेबलाइजेशन इसका। तो अगर नहीं हिला रहे हो तो ये कैमरा सही है आपके लिए। और मेरा आजकल ट्यूटोरियल वाला चैनल बहुत कम है, उसके लिए मेरे को तो नॉर्मल वेबकैम ही काफ़ी है, इनफैक्ट मेरा वेबकैम भी अच्छा क्वालिटी देता है। और बात करें इसका ऑनबोर्ड ऑडियो, वो भी उतना ख़ास नहीं है जितना ये लोग बताते हैं ना कि 5.1 सराउंड से इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, स्पेशल रिकॉर्डिंग है। मुझे तो अभी तक ये कैनन G7X का ऑडियो और भी अच्छा लगा, बल्कि इट्स क्रिस्प एंड इट्स शार्प। इसका ऑडियो दबा दबा आता है, पता है आपको, बहुत ही दबा दबा आता है इसका ऑडियो। इसमें भी अगर मैं चाहे तो यही सेम चीज़ उसमें नॉर्मल कहीं से भी, एक सुपरमार्केट से भी, ऐसे नहीं तो हार्डवेयर शॉप से भी आपको ऐसा चीज़ मिल जाएगा और आप उसमें चिपका सकते हो, बस खत्म। कैनन भी ऐसे परफॉर्म करेगा, विंडमफ का आप खुद बना सकते हो विंडमफ और उसके ऊपर लगा सकते हो, नहीं तो स्पॉन्ज लगा दो यार, एज एन ऑडियो गाय आई नो दैट ऑल्सो वर्क्स। और ये देखो इस कैमरा का जो पीछे का बुके जो दिख रहा है आपको, मस्त, मतलब सोनी में भी है, लेकिन सोनी में एक अलग से ऑप्शन दिया उन्होंने, आप पीछे का जो है बुके कर सकते हो ऐसे सब, लेकिन इसमें भी बहुत ही अच्छा बुके आता है, इसमें देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, आई मीन इट्स अमेजिंग, इट्स जस्ट एज गुड एज सोनी। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने बताया ये सब मेरा व्यू पॉइंट्स है, और मुझे यही लग रहा है कि कैनन G7X Mark II इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमराज अभी भी। Mark III का फोकस में बहुत प्रॉब्लम्स था, उसके कारण उन्होंने बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट किया, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। तो अगर आप लेना चाहते हो तो G7X Mark II लीजिए, और इसका अभी प्राइस भी कम हो गया। ये ज़रा ध्यान देना कि Mark III नहीं Mark II होना चाहिए। तो अभी भी मैं इसमें एक्चुअली जो है टिफिन का जो है ब्लैक प्रो मिस्ट 1/2 का जो है फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ, और इसका जो क्वालिटी आप देख सकते हो कैसा है। ये फ़िल्टर के ऊपर मैं एक व्लॉग बनाऊँगा जो रिव्यू होगा, और मैं आपको दिखाऊंगा इसका क्वालिटी के हिसाब से इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। मैं व्लॉगिंग के लिए ज़्यादातर ये यूज़ कर रहा हूँ, पहले भी मैंने यूज़ किया था मेरे व्लॉग्स में, और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं ये ब्लैक प्रो मिस्ट का जो फ़िल्टर है यूज़ करके व्लॉगिंग करूँ, एक अच्छा खासा एक सिनेमैटिक लुक भी देता है इसमें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा,
धन्यवाद।